हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप लोग होपफुली बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। और फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिएगा। मैं आपसे अपने हर लेक्चर में यही कहती हूँ फ्रेंड्स कि हिम्मत मत हारिएगा। आपने अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन पहले कर रखी है फ्रेंड्स, उसको ब्रेक मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं वो देखिए, वो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द सिलिएटेड एपिथीलियम सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमन्स, दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल बायोलॉजी ब्लूम में अभी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एग्जाम आर्काइव्स हैं बुक के वो ले रही हूँ, तो उसमें जो है आज मैंने ये चैप्टर लिया हुआ है। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, जो सिलिएटेड एपिथीलियल सेल्स हैं जो किसी पार्टिकल या म्यूकस को मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसे ले जाती हैं, आगे बढ़ाती हैं, ह्यूमन में ये सेल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन ए है ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए है ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स, बी बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियोल्स, सी फेलोपियन ट्यूब्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, एंड डी है यूस्टेकियन ट्यूब्स एंड सेलेबरी डक्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीन्स की ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे ये ब्रोंकियोल्स, आपको पता है ब्रोंकाइज कहाँ पे पाई जाती हैं फ्रेंड्स, ये लंग्स में पाई जाती हैं। आपको लंग्स का स्ट्रक्चर पता ही है, ठीक है। ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया हमारे लंग्स में जाती है और जा करके वो डिवाइड होती हैं, ब्रोंकियोल्स बनाती हैं। ब्रोंकाई जो है वो और भी ज़्यादा डिवाइड होकर के ब्रोंक्यूल्स बनाती है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर सैक्स भी होते हैं, तो आप ये सब जानते हैं। और फेलोपियन ट्यूब्स, जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसमें जो आपको पता है फिम्ब्री होती है, ठीक है, जो ब्रश बॉर्डर बनाती है और ये क्या करती है, वो एग को आगे बढ़ाने में या एग के मूवमेंट में सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स, मैच दी फॉलोइंग सेल्स, मैच करना है विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ए है यहाँ पे टाइट जंक्शन सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट्स। फिर बी है फ्रेंड्स, एडरिंग जंक्शंस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स टू अनदर सेल्स। एंड सी है गैप जंक्शंस इस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथीलियल सेल्स। एंड डी है यहाँ पे सिनाप्टिक जंक्शंस एंड साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। तो देखिए ये हमारे पास है फ्रेंड्स और यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट मैच करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो बी सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, टाइट जंक्शंस, ठीक है, टाइट जंक्शंस यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस दी एपिथीलियल सेल्स। एंड जो बी है यानी एडरिंग जंक्शन, ये क्या करते हैं, एडेयर करने का काम करते हैं, तो सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट। और देन इसके बाद जो गैप जंक्शन है फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट, ये गैप होते हैं लेकिन ये चैनल्स के फॉर्म में होते हैं, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन को बिटवीन दी एडजेसेंट सेल या अगल बगल वाला सेल्स। तो उसके बाद जो हमारे पास डी है फ्रेंड्स वो सिनाप्टिक है। तो आपने इसका नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है, आपको पता है दो न्यूरॉन्स के बीच में सिनाप्सिस होती है, ठीक है, एक और जो है यहाँ पे जो सिनाप्टिक जंक्शन होता है वो फॉर्म होता है। तो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स टू अनदर सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, नीट का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो अब जो थर्ड है वो फ्रेंड्स है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को करना है और यहाँ पे हमारा जो एक डायग्राम दे रखा है फ्रेंड्स, उसको देख करके आप लोगों को पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ओके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम है फ्रेंड्स। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम में उसके बाद फिर बी जो है वो सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम है, तो बी सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम है। और सी है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड डी है स्ट्रेटिफाइड
कॉलमनर एपिथीलियम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑप्शन है जाएगा इसमें, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 3 का हो जाएगा ए। ठीक है, 3 का हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर ए कौन सा है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। तो फ्रेंड्स जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम होगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो सेल्स होती हैं इसकी वो क्यूबिकल होती हैं, क्यूबिकल के फॉर्म में होती हैं, और ये जो होती है सरफेस से पॉलीगोनल दिखती है। ठीक है, और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो राउंडेड होता है और सेल के सेंटर में होता है। तो यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, राउंडेड होता है, राउंड शेप का होता है और सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के जो सेल्स हम लोग पहचानते हैं फ्रेंड्स सेल के टाइप को, उसमें न्यूक्लियस भी एक इंपॉर्टेंस रखता है कि उस न्यूक्लियस का शेप कैसा है, सेल के सेंटर में है या फिर ऊपर है या किधर सिचुएटेड है। तो और इसके अलावा जो जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं फ्रेंड्स, वो स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ये स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होंगी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो पैनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होती हैं फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ साथ में नोट करते जाइएगा, ठीक है, जो बोल रही हूँ उसको नोट करते रहिएगा। तो और पैनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा ये थायरॉयड की फॉलिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगेन फिगर का क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चन एम्स में आया था फ्रेंड्स। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, दी फिगर शोज डिफरेंट ह्यूमन टिश्यूज लेबल्ड एज ए टू डी, विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेबल्स, इट्स लोकेशन एंड वन फीचर। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो दे रखा है, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो दिया हुआ है डी ए का है, जिसमें जो डी फिगर का दिया हुआ, जो डी का यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम गॉबलेट सेल्स सीक्रेट सैलिवा, एंड बी स्क्वामस एपिथीलियम वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री, एंड सी अ क्यूबॉइडल एपिथीलियम डक्ट्स ऑफ ग्लैंड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, डी सी कॉलमनर एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ स्टोमक सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखिए जो फोर है फ्रेंड्स उसका जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सी वाला जो आपका फिगर था, जो पिक्चर था, वो कॉलमनर एपिथीलियम है वो करेक्ट है, लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से आप लोग, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आपको बताना था, आइडेंटिफिकेशन करना था, और जो आपका डी है यानी कि ये वाला जो ऑप्शन आपका जो डी वाला है वो करेक्ट हो गया है, जिसमें कि सी वाला है। देखिए हाँ फ्रेंड्स, जो आपका सी वाला है ये करेक्ट है, जिसके बारे में अगेन मैं बता देती हूँ जो डिस्क्रिप्शन जो है कि इसमें क्या है, इसमें जो है कॉलमनर एपिथीलियम है, ठीक है, एंड लाइनिंग ऑफ स्टोमक में होती है एंड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का वर्क करती है। तो एम्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए ये जो जो अगर हम ए की बात करें तो ए क्या था ये भी नोट डाउन करते रहिएगा, जो ए है वो स्क्वामस एपिथीलियम का है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या क्या है, ये ब्लड वेसल्स की वॉल में पाया जाता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, जो ए वाला था तो वो आप देखिएगा, ये ब्लड वेसल्स की वॉल में पाया जा रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स वॉल में पाया जा रहा है, ओके। और इसके बाद जो आपका एयर सैक्स ऑफ लंग में, लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं उसमें पाया जाता है, और डिफ्यूज़न लेयर का जो फंक्शन होता है, ठीक है, उस तरीके से डिफ्यूज़न लेयर फॉर्म करता है। और जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है, और जो बी वाला बताया गया है, यानी कि जो बी वाला है वो क्या है, जो बी है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, लेकिन इसमें इन्होंने ऑप्शन में स्क्वामस बता दिया है, तो जो बी है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, और ये ट्यूबुलर पार्ट्स में पाया जाता है, नेफ्रॉन्स या जो किडनी के यूनिट होते हैं उनके ट्यूबुलर पार्ट्स में पाया जाता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स सी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो सी का है यहाँ पे इन्होंने जो बताया हुआ है, तो इसमें जो क्या होगा, जो सी है वो कॉलमनर एपिथीलियम है, वो करेक्ट है,
और ये कहाँ पे, ये स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि स्टमक की लाइनिंग में पाया जाता है और अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का वर्क करता है। और जो डी वाला है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो सिलिएटेड एपिथीलियम है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में ये कहा है कि ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम है, तो बट है क्या चीज़, जो डी है वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम है, और ये होलो ऑर्गन जैसे कि ब्रोंकियोल्स है, फॉलोपियन ट्यूब है, इन सब के इनर सरफेस पे पाया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी जो फिफ्थ वाला है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। चूज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट, अब रॉन्ग चूज़ करने की चांस है हमारी, अब हम लोग को रॉन्ग चूज़ करना है, ठीक है, गलत भी थोड़ो तो चूज़ करना चाहिए, सिर्फ राइट चूज़ करने से बात नहीं बनती है एग्ज़ाम में। तो चलिए, ऑप्शन है हमारे पास ए, टाइट जंक्शंस हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, बी एडरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, एंड सी गैप जंक्शन फैसिलिटेट दी सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग दी न्यूक्लियाई ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, डी दी मेन फंक्शंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड ई कंपाउंड एपिथीलियम हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए फिफ्थ का हम बता देते हैं, यहाँ पे जो फिफ्थ है वहाँ पे ये सी करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना, जो गैप जंक्शन होते हैं वो क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, गैप जंक्शन वो सेल के कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द न्यूक्लियाई ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, इसमें ये बताया गया है कि जो अगल बगल की एडजॉइनिंग सेल्स होती हैं उनके न्यूक्लियाई को कनेक्ट करते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, फाइव का सी गलत है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन सिक्स जो है वो क्या है देख लेते हैं, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट आंसर, पॉइंट है, पॉइंट मैं देखती हूँ, वन गैप जंक्शन सीमेंट एडजेसेंट सेल्स टुगेदर, ओके, टू एरियोलर टिश्यू कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स, थ्री टाइट जंक्शन फैसिलिटेट दी सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, फोर adhering junctions helps to stop substance from leaking across tissue, and five cells of connective tissue accept blood secretes fibers of structural protein called elastin। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ऑप्शन बता देती हूँ आपको, जो सिक्स होगा उसका बी वाला करेक्ट होगा, और बी में क्या क्या पॉइंट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ये कहा है कि ये रॉन्ग है, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाला, थर्ड एंड फोर्थ ये रॉन्ग है, तो बाकी जो बचे हुए हैं, यानी कि जो सेकंड वाला है एरियोलर टिश्यू कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, ये करेक्ट है फ्रेंड, ठीक है, ये करेक्ट है, और एक बार मैं बता देती हूँ फिर से, एरियोलर टिश्यू कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, ये सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है। इसके अलावा जो आपका और कौन सा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास अब बच रहा है हमारे पास फिफ्थ वाला, यानी कि जो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर कॉल्ड इलास्टिन, ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो गैप जंक्शन है उसके बारे में आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया, जो गैप जंक्शन है वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म्स जो दो सेल्स होती हैं एडजेसेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, उन वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म्स टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन होता है उनका, ठीक है, और इनको कोनेक्सॉन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोनेक्सॉन्स, देखिए कोनेक्सॉन्स, ठीक है, राइट, तो उसके बाद फिर और यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो एडरिंग जंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक इंटरलॉकिंग बेल्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, और ये जो है एडजेसेंट सेल के बाहरी सरफेस से को इंसर्किल करते हैं और स्टेबिलिटी करते हैं और इंटीग्रिटी बनाते हैं सेल लेयर की, तो इस तरीके से इनका फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे खैर सिक्स का बी जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जो रॉन्ग था यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, चूज दी करेक्ट मैच पेयर, करेक्टली मैच पेयर, इनर लाइनिंग ऑफ सेलेवरी डक्ट,
सिलिएटेड एपिथीलियम, बी मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथीलियम, सी ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड डी इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स स्क्वैमस एपिथीलियम। ए आई पी एम टी का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कि ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम लाइन्स, ऑप्शन हमारे पास क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम लाइन्स, ऑप्शन है ए यूरेथ्रा एंड ओविडक्ट, बी ट्राकिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सी यूरिनरी ब्लैडर एंड डी एंडोथीलियम। अब यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स, तो जो हमारे पास एट है वो देखिए, जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, वो प्रोटेक्शन करता है और ये ऐसी प्लेसेस पे पाया जाता है जहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं जिनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। कैसी सेल्स होती हैं फ्रेंड्स? गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। ओके, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और देखिए और क्या है, और ये जो गॉबलेट सेल्स होती हैं ये पता है आपको म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं। और जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया होती है वो क्या करती है फ्रेंड्स, वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे भी होती हैं। और जो नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है वो लार्ज ग्लैंड की डक्ट्स में पाई जाती हैं, मेल यूरेथ्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रैकिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्रिंट थोड़ा सा ब्लर्ड आ जाता है फ्रेंड्स कभी कभी। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। 9 का यहाँ पे हमारे पास है करेक्टली मैच्ड पेयर, ए टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, बी एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सी एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डी कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो 9 है उसका क्या होगा, सी। ठीक है, जो 9 है वो सी एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये करेक्ट हो जाएगा कि जो एरियोलर टिश्यू है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो और फ्रेंड्स जो टेंडन्स होते हैं उनके बारे में बता दूँ, जो टेंडन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो जो टेंडन यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू डीसीटी होता है ये। ठीक है, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और आपके पास जो एडिपोज टिश्यू होता है फ्रेंड्स, ये फैट स्टोरिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, एडिपोज जो है वो फैट स्टोरिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड कार्टिलेज जो होती है वो स्पेशलाइज्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग SCT भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन है 10th वाला है फ्रेंड्स, दी फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दी फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, ए सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, बी स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, सी परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, डी फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये डी बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि होगा क्या फ्रेंड्स, थोड़ा सा जान लेते हैं जो जो यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे है वो ये है कि ये क्या करता है, जो गैप जंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो अगल बगल की पास पास वाली जो नेबरिंग सेल्स या एडजॉइनिंग सेल्स होते हैं उसमें कम्युनिकेशन को, यानी ये बातें करती हैं ये लोग, ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में। और क्या करता है, ये कैसे बातें करते हैं, कैसे ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सीधे उसके अंदर के मटेरियल लिक्विड साइटोप्लाज्म से ये कनेक्ट होते हैं और बहुत जल्दी तेज़ी से, यानी कि तेज़ी से फटाफट बिल्कुल आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं फटाक से, बिल्कुल 5G 6G की स्पीड से। चलिए, तो फ्रेंड्स आपको पता है जो 5G की टेस्टिंग चल रही है वो कितनी हार्मफुल है। टेक्नोलॉजी में एडवांस तो होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है उसकी ही जान को ख़तरा हो जाए। ठीक है, यानी इस 5G की टेस्टिंग का ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कैसे कैसे रेडिएशंस बॉडी में चले जा रहे हैं,
कैंसर कॉज कर रहे हैं कि ट्यूमर कॉज कर रहे हैं, क्या कॉज कर रहे हैं, कौन सी बीमारी हो रही है पता नहीं चल रहा। और इसके अलावा बर्ड्स और एनिमल्स तो कितने ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है, कितने डेड हो रहे हैं, इसका भी कुछ कोई डेटा नहीं होता है, ठीक है। बट ये काम होता जा रहा है, होता जा रहा है, पता नहीं दुनिया कहाँ पहुँचना चाह रही है, इंसानियत भी खो रही है। चलिए खैर फ्रेंड्स, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। 11 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये फिगर पिक्चर है फ्रेंड्स यहाँ पे। गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ, एक मिनट फ्रेंड्स, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट देम। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सीधे इसका आंसर ही बताना चाहूँगी। यहाँ पे जो 11 है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ए है, ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो क्या है, माइक्रोफेज है। जो बी है आपको जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फाइब्रोब्लास्ट है यहाँ पे। और जो सी है यहाँ पे जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर है वो कोलेजन फाइबर्स हैं। एंड जो डी है यहाँ पे पर्पल कलर की, वो मास सेल्स बनी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 है फ्रेंड्स। इसमें रॉन्गली मैच करना है। ए है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स गॉबलेट सेल्स, बी सलाइवा एक्सोक्राइन सिक्रीशन एंड, सी फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स स्मूथ मसल्स, डी कार्टिलेज एरियोलर टिश्यू एंड ई इंटरकलेटेड डिस्क कार्डियक टिश्यू। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, ठीक है, कार्टिलेज एरियोलर टिश्यू। तो फ्रेंड्स आपको इसके पहले भी बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो कार्टिलेज होता है फ्रेंड्स एरियोलर टिश्यू नहीं होता है। कार्टिलेज क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है, ठीक है, SCT। चलिए बाकी तो सारे मैच करेक्ट हैं कि जो गॉबलेट सेल्स होती है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स होती है, सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है सलाइवा, और जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो फ्यूजीफॉर्म फाइबर्स होते हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप होता है उनका, और जो कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं वो इंटरकलेक्टेड डिस्क होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक ही क्वेश्चन से एग्जामिनर कई चीज़ें जान लेता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे एग्जाम्स में कि एक क्वेश्चन पुट करते हैं एग्जामिनर और उससे आपकी कई चीज़ों की नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। स्मूथ मसल्स आर, ऑप्शन ए इनवॉल्टरी फ्यूजीफॉर्म नॉन स्ट्रिएटेड, बी वॉलेंटरी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल, सी इनवॉलेंटरी सिलेंड्रिकल स्ट्रिएटेड एंड डी वॉलेंटरी स्पिंडल शेप्ड यूरी न्यूक्लिएटेड। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 वाला, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। देखिए स्मूथ मसल सेल्स जो होती हैं, स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं फ्रेंड्स, स्पिंडल शेप यानी फ्यूजीफॉर्म भी होते हैं। और क्या होता है इसमें, सिंगल ओवल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो बता देती हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखा है, सिंगल ओवल न्यूक्लियस, ओवल न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, ओके। और ये जो है हमारे पास, अब आप लोग ऑप्शन तो समझ ही गए होंगे कि कौन सा होगा, ठीक है। सिंगल ओवल न्यूक्लियस होता है, और इस जब न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता ही होता है, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, मसल सेल्स के जो फ्रेंड्स जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, ठीक है, लंबाई में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, और इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन स्ट्रिएटेड कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये जो होते हैं, ठीक है, और इनवॉलेंटरी होते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से आप इनको नहीं चला सकते। और ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो चुका है, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए वॉलेंटरी मतलब जिसमें हमारी मर्जी है, हम जब मन चले अपने हाथ पैरों को हिलाए डुलाएं, चाहे तो जिम करें, चाहे तो डांस करें, चाहे तो गाना बनाएं, चाहे तो जो करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे 14th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो भी नीट का क्वेश्चन है। इसमें कहा है करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन, टिश्यू दे रखा है लोकेशन से रखी है। तो अब ए है ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिप ऑफ नोज, बी क्यूबॉइडल एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, सी स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड डी एरियोलर टिश्यू टेंडन्स। देखिए फ्रेंड्स नीट का क्वेश्चन है, ये अभी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मुझे पसंद है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, वो 14 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो स्मूथ मसल होती है, बिल्कुल आपको पता है कि हमारे इंटेस्टाइन में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, बैक हो गया था। तो यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्टली मैच है, और यहाँ पे सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा लगा होगा।
तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। जो टिप की जो नोज़ होती नोज़ की जो टिप होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जो नोज़ की टिप होती है यहाँ पे जो फर्स्ट वाला देखिएगा, तो ये कैसी होती है, ये यहाँ पे हम जो कार्टिलेज होती है वो होती है इलास्टिक कार्टिलेज। याद रखिएगा अपनी नोज़ को सब लोग टच करके देखिए, वो यहाँ पे क्या होती है, सॉफ्ट सी हड्डी होती है, ठीक है, हार्ड नहीं होती। अगर हार्ड होती तो आप मूव नहीं कर सकते, सॉफ्ट होती है। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम होती है वो स्टमक को लाइन करती है, यानी कि जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम होती है, ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम है फ्रेंड्स। और यहाँ पे और क्या, फिर एक और बचा हुआ एरियोलर टिश्यू, ठीक है, एरियोलर टिश्यू तो आपको पता ही है, जो टेंडन्स होते हैं वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स। कैसे होते हैं टेंडन्स जो होते हैं वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, WFCT याद रखिएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए फ्रेंड्स वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थवर्म। अब देखिए अर्थवर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी एक क्वेश्चन में उसने सारे सेगमेंट्स के बारे में लगभग पूछ लिया है, ठीक है। ऑप्शन ए टेस्टिस 11th एंड 12th सेगमेंट, बी एक्सेसरी ग्लैंड 17th एंड 19th सेगमेंट, सी क्लाइटेलम 14th टू 16th सेगमेंट, एंड डी है फीमेल जेनिटल पोर 14th सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 15 कर लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, जो इनकरेक्ट है, 11th एंड 12th सेगमेंट में नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका जो अर्थवर्म होता है उसमें टू पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, कितने पेयर होते हैं, टू पेयर्स होते हैं टेस्टिस के। और ये जो टेस्टिस होते हैं फ्रेंड वो क्या होते हैं, वो 10th एंड 11th सेगमेंट में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, 10th एंड 11th में होते हैं, ठीक है। अब बाकी तो सारे करेक्ट ऑप्शन है, जो एक्सेसरी ग्लैंड होती है वो 17th एंड 19th है लिखा ही हुआ है, क्लाइटेलम का तो बिल्कुल आप लोगों को याद ही हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोकून भी फॉर्मेशन करता है ये, तो 14 से 16 सेगमेंट में होता है। और डी जो है फीमेल जेनिटल पोर सिर्फ एक सेगमेंट में होता है 14th में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की और काम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस ले रहे हैं जितना भी मैं ले सकती हूँ एक बार में। तो चलिए 16 यहाँ पर है, 16 को हम लोग देख लेते हैं क्या है। इफ़ अ लाइव अर्थवर्म इज प्रिकल्ड विद अ नीडल ऑन इट्स आउटर सर्फेस विदाउट डैमेजिंग इट्स गट द फ्लूइड दैट कम्स आउट। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, हम लोगों ने अर्थवर्म का डिसेक्शन खुद किया है, बहुत ज़्यादा किया है, और कभी कभी तो हम लोग तो अर्थवर्म चूज़ करते थे उस जार में से कि हम मुझे ये अर्थवर्म चाहिए, और दूसरी फ्रेंड्स कहती थी कि हमें ये वाला अर्थवर्म चाहिए। तो एक अच्छा सा अर्थवर्म ले लेते हैं जिसको हम लोग जब डिसेक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी दिखती हैं, हम लोगों को उसकी नर्व रिंग निकालनी होती थी। तो खैर यहाँ पे आपसे पूछा है ऑप्शन क्या है, सिलोमिक फ्लूइड, बी है हीमोलिम्फ, सी है स्लाइमी म्यूकस, एंड डी है एक्सक्रीटरी फ्लूइड। तो देखिए जब भी आप अर्थवर्म को किसी चीज़ से पिंच करेंगे, जैसे कि जब हम लोग उसको ट्रे में लगाते थे, डाइसेक्शन ट्रे में, तो उसको हम लोग पिन लगाते थे, तो पिन लगाने के टाइम पर फ्रेंड्स क्या होता था, जो फ्रेश होते थे, ठीक है, उसमें से, या ऐसे भी जो फ्रेश नहीं होते थे उसमें से भी एक फ्लूइड जैसा निकलता था, ठीक है, और वो फ्लूइड कौन सा होता है, वो होता है सिलोमिक फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17, पेरिटिमा पोस्थ्यूमा, यानी कि अभी भी हम लोग केचुए की बात कर रहे हैं अर्थवर्म की, एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डेराइव्ड नरिशमेंट फ्रॉम। ऑप्शन ए शुगर केन रूट्स, बी डिकेइंग पॉलन लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, सी सॉयल इंसेक्ट, एंड डी है स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेश पॉलन लीव्स ऑफ मेज एटसेट्रा। तो देखिए फ्रेंड्स जो ये आपका जो अर्थवर्म या पेरिटिमा होता है ये डेड और डिकेइंग लीव्स पे और सॉयल ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहता है, ये वही खाता है। और आपको पता है कि ये जो अर्थवर्म होते हैं ये क्या होते हैं, ये फॉर्मर के फ्रेंड कहे जाते हैं, ये अर्थ को जो सॉयल होती है खेतों में उसको क्या करते हैं, मिट्टी को के अंदर घुस घुस करके छेद बना बना करके उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या पोली कर देते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा, और अर्थवर्म जो होते हैं उनका जो फिश जब फिशिंग की जाती है तो भी उसको कांटे में फंसा करके फिशिंग रॉड में उसको पानी में ले जाते हैं, तो मछलियां उसको खाने के लिए पकड़ती हैं और फिर जाल में फंस जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन पेरिटिमा इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। क्लाइटेलम सिक्रीट्स कोकून, बी गिजर्ड एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड, सी
सीटी डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स, डी टिफ्लोसोल स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें बताया है कि कौन सा इसके फंक्शन से करेक्टली मैच है। तो देखिए यहाँ पे ए वाला है जो क्लाइटेलम सीक्रेट्स कुकून, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स तो ये जो मच्योर अर्थवर्म होता है उसका जो 14 से 16 तक होता है सेगमेंट, वो क्या होता है, वो डार्क बैंड होता है, आप किसी भी अर्थवर्म में देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। उसकी स्किन के कलर से ज़्यादा डार्क होता है और ये क्लाइटेलम कहलाता है और ये कुकून सीक्रेट करता है। यहाँ पे क्या होता है, कुकून में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें मस्कुलर गिजर्ड होती है जो 8 से 9 सेगमेंट में होती है फ्रेंड्स, ओके। चलिए अब यहाँ पे आपको इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली गई है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो टिफ्लोसोल होता है वो क्या होता है, वो इसकी डॉर्सल वॉल में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो है फोल्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, जो टिफ्लोसोल होते हैं ये फोल्ड्स होते हैं और ये जो एब्जॉर्प्शन एरिया होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थवर्म पेरिटिमा इज, वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थवर्म पेरिटिमा इज। ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स इन साइड द बॉडी। बी, द टिफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। एंड सी, द एस शेप्ड सीटी एम्बेडेड इन द इनकैबिनेट इंटैगमेंट्स आर द डिफेंसिव वेपन्स यूज्ड अगेंस्ट द एनिमीज। एंड डी, इट हैज अ लॉन्ग डॉर्सल ट्यूबुलर हर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी हमने टिफ्लोसोल की बात की है कि ये जो होता है इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, इसको टिफ्लोसोल कहते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कौन सा है, ये देख लेते हैं। 20 जो 20th क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेन इन द एलिमेंट्री कैनाल, ओके, एलिमेंट्री ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको सीधे ऑप्शन ही बताना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है बी है, कॉकरोच में देखिए ये कहा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन हैं उनको माउथ से लेकर के, ठीक है, वो अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, फेरिंग्स आ जाएगी, देन ईसोफेगस आएगी, फिर क्रॉप, फिर गिजर्ड, फिर इलियम, फिर कोलन, देन रेक्टम होगा, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। चलिए नीट का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, विच इज नॉट ट्रू फॉर कॉकरोच। फिर कहा गया है कॉकरोच के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू फॉर कॉकरोच। ऑप्शन ए है, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। बी, फोर विंग्स कॉल्ड टेगमाइना यूज फॉर फ्लाइट आर अटैच्ड टू फर्स्ट सोरैसिक सेगमेंट। सी है, वन पेयर ऑफ मैगजिले एंड मैंडबल्स। एंड डी है, हैज़ 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो चलिए 21 का हमारे पास जो ऑप्शन हो गया वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो फोर विंग्स होते हैं टेगमाइना कहलाते हैं और ये फ्लाइट के लिए यूज़ होते हैं और ये फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट से अटैच्ड होते हैं। फ्रेंड्स कॉकरोच सब लोगों ने देखा होगा अपने घर में, मम्मी लोग बहुत परेशान रहती हैं कॉकरोचों से, तो आप कोई भी कॉकरोच देख सकते हैं उसमें जो विंग्स होते हैं वो फर्स्ट सेगमेंट से लगे होते हैं और इनको टेगमाइना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, और 22 क्वेश्चन है। 22 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच। ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ अ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। बी, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल। एंड सी, फोर विंग्स विद डार्कर टेगमाइना। एंड डी, प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल, ठीक है, ये होता है आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। देखिए जो मेल कॉकरोच होते हैं उसमें शॉर्ट थ्रेड लाइक जो है वो कॉडल स्टाइल्स होते हैं, बल्कि फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं, यानी फीमेल में नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट होगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 23। इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए, सेमिनल वेसिकल्स। बी, मशरूम ग्लैंड। सी, टेस्टिस। एंड डी, वास डिफरेंस। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए तो जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं उसमें बहुत सारे सैक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि थैलियाँ होती हैं, सैक्स होते हैं, और ये जो है कहाँ पे ये जो होते हैं वो आपका स्पर्म का स्टोरेज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, कौन सा फीचर इसमें से नहीं प्रेजेंट होता है कॉकरोच में? ऑप्शन ए एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एनएसिटिल ग्लूकोसामिन, बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, सी शेजोसोलोम एज बॉडी कैविटी, डी इंडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 24 होगा उसका क्या करेक्ट हो जाएगा, 24 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 24 का हम लोग डी करेक्ट कर लेते हैं। जो इंसेप्ट्स होते हैं फ्रेंड्स उसमें रेडियल क्लीवेज नहीं होता है, उसमें होता है सुपरफिशियल क्लीवेज, ओके, सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th वाला फ्रेंड्स, द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, ओके, ऑप्शन है हमारे पास यूरिया, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी अमोनिया एंड डी है पोटेशियम यूरेट। यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम यूरेट हो जाएगा, ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 25th का जो कॉकरोच होता है उसमें जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट किस फॉर्म में होता है, वो होता है जैसे कि आपका पोटेशियम, फ्रेंड्स मैं सिंबल लिख रही हूँ, ठीक है, पोटेशियम होगा और क्या होता है सोडियम के यूरेट हो जाते हैं, ठीक है, सोडियम का यूरेट होता है, वाटर होता है H2O जो है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, और ये कहाँ पे होंगे, ये उसके ब्लड में होंगे, तो उससे एक्सट्रैक्ट करती हैं, क्या कौन एक्सट्रैक्ट करता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें जो पोटेशियम और सोडियम के बाइकार्बोनेट वाटर और यूरिक एसिड ये बनते हैं, ठीक है, ये बन जाते हैं, फॉर्म एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर ये बन जाते हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर की अमाउंट और जो बाइकार्बोनेट होते हैं पोटेशियम और सोडियम के, वो मेलपिगियन सेल्स की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उससे रीअब्सॉर्ब्स कर लिए जाते हैं और फिर उसको ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसका जो ब्लड होता है किस फॉर्म में होता है, हीमोलिम्फ के फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन कॉकरोच दी ऊथीका आर फॉर्म्ड बाई द सिक्रीशन ऑफ, ऑप्शन ए पैलिक ग्लैंड, बी कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, सी कोलेट्रियल ग्लैंड एंड डी मशरूम ग्लैंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो 26 का सी हो जाएगा, यानी कि कोलेट्रियल ग्लैंड हो जाएगा। तो देखिए कॉकरोच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रांच एक्सेसरी या फिर कोलेट्रियल ग्लैंड होती हैं, ठीक है, ये ओवरीज के पीछे होती, ओवरीज के ऊपर होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये जो है जो हार्ड एक केस बनाती हैं जिसको क्या कहते हैं, ऊथीका कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है ऊथीका बनाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 27, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ, ठीक है, कॉकरोच निम्फ का जो लास्ट आपका मोल्ट हो जाता है वो उसके बाद आप क्या देखते हैं। ऑप्शन ए बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप, बी लेबियम डेवलप, सी मैंडिबल बिकम हार्डर एंड डी एनल सुलकाई डेवलप। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें होता क्या है, जो कॉकरोच होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो उसमें पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट होता है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, पोरो मेटाबोलस, मेटाबोलस, ठीक है, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, ओके, ये होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कितने आपको पता है कितने टाइम्स ये मोल्ट करता है उसके बाद अडल्ट बनता है, ये 13 times, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 13 times इसकी मोल्टिंग होती है उसके बाद फिर ये अडल्ट बनता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो यहाँ पे हमारे पास जब इसका ये जो लास्ट मोल्ट होता है उसमें जो है इसके फोर विंग्स और हिंड विंग डेवलप हो जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है फ्रेंड्स। 28, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंड बाई अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, बी मेल बेयर अ पेयर ऑफ शार्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, सी देर आर 16 वेरी लॉन्ग मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट एट द जंक्शंस ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, डी ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरीड आउट बाई ओनली बाई द माउथ पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या है 28 का हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, जो मेल बेयर्स पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। तो देखिए
यहाँ पे आपको पता ही, आप इसको एनल सर्काई यहाँ पे आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, और जो मेल और फीमेल होता है उसमें इसी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है। तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को आप ऐसे ही पहचानेंगे। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एक्सेसरी अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, उनको एनल स्टाइल कहते हैं, और ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29। फ्रेंड्स देखिए, ये थोड़ा ब्लर्ड है बट कोई बात नहीं, परेशानी होना है, इसको आप लोग सुननिएगा ध्यान से। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। अब मेल फ्रॉग की बात आ गई है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन बता देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 29 का सी है, ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म आएंगे, उसके बाद देन वास आइफ्रेंशिया, देन किडनी में जाते हैं, फिर बिडर्स कैनालिस में पाई जाती है, वहाँ पे देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड लास्ट में क्लोका। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 30th में आ जाते हैं। क्वेश्चन 30th है हमारे पास, फ्रॉग्स हर्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज इट बीट्स फॉर सम टाइम। जब इसको बॉडी से इसका हार्ट निकाल लिया जाता है तब भी ये कुछ देर के लिए धड़कता रहता है, क्यों, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, वन है फ्रॉग इज पॉइकोलोथर्म, बी फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, थर्ड हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, एंड फोर हार्ट इज ऑटो एक्सिटेबल। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 30 का सी, ठीक है, यानी 3 और 4, हार्ट मायोजेनिक होता है और हार्ट ऑटो एक्साइटेबल भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है और इसमें ऑटो रिदम होती है, अपने आप रिदम भी करता रहता है। तो वेव जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है वो साइनस वेनोसस से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, ठीक है, और फिर फैल जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देख लीजिएगा, और साइनस वेनोसस SV से स्टार्ट हो जाती है, और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, और ये जो है दोनों ऑरिकल में फैल जाती है, ठीक है, साइनस वेनोसस की वॉल में और ऑरिकल में फैल जाती है, और फिर ये क्या करती है, हार्ट को बीट करने के लिए फोर्स करती है, तो हार्ट बीट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दी, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा हाइड है, हाँ, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन अडल्ट फ्रॉग, ए इन वाटर स्किन गिल्स, बी ऑन लैंड स्किन बकल कैविटी, सी इन वाटर स्किन बकल कैविटी, एंड डी ऑन लैंड स्किन लंग्स गिल्स। एम्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 31 है उसका बी करेक्ट हो जाएगा, लैंड पर किससे करता है, वो स्किन से भी करता है और बकल कैविटी से भी होता है। देखिए जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसमें 3 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग में, और ये चूंकि एम्फीबियंस होता है आपको पता है ये वाटर और लैंड दोनों पे रहता है, तो इसमें 3 टाइप के, कौन कौन सा होता है, नंबर 1 क्यूटेनियस, ठीक है, क्यूटेनियस मतलब जिसमें स्किन होती है, स्किन सेल जब करेगा तो, और दूसरा होता है बाको फेरेंजील, ठीक है, फेरेंजील, ओके, एंड जो 3 है आपके पास वो है पल्मोनरी, ये 3 होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्यूटेनियस होता है फ्रेंड्स वो स्किन से होता है, मॉइस्ट यानी भीगी हुई पतली स्किन जो होती है, ठीक है, उससे होता है, और उसके बाद जो ये वाटर में होता है और लैंड पर भी होता है, यानी कि ज़मीन पे भी होगा, और जो बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है वो लैंड पर भी होता है, और ये कैसे होता है, बक्को फेरेंजियल कैविटी की जो लाइन होती है, ठीक है, अंदर की तरफ, वो उससे होता है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन तब होता है जब फ्रॉग पानी के बाहर रहता है, और ये अडल्ट फ्रॉग में लंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फ्रॉग्स डिफर्स फ्रॉम ह्यूमंस इन पजेजिंग, ओके, फ्रॉग्स डिफर्स फ्रॉम ह्यूमंस इन पजेजिंग, फ्रॉग ह्यूमन से अलग है क्यों। ऑप्शन ए पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर, बी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, सी न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, एंड डी थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड। AIPMT का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख लीजिए 32 का सी, ठीक है, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स जो फिश होती हैं, ठीक है, फिश और आपके जो एम्फीबियंस होते हैं, ओके, एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस है,
पूरा लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे फिश, एम्फीबियंस, ओके एम्फीबियन है, और आपकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ओके बर्ड्स, इन सब में क्या होता है, जो आरबीसीज होती है ठीक है, वो न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस होता है ठीक है, और ओवल होती है एंड बाइकॉन्वेक्स होती है। और जो अडल्ट मैमल होते हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग भी मैमल हैं, और अडल्ट मैमल जितने भी और भी होते हैं, वो क्या उसमें कैसे होते हैं, उसमें ई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ई न्यूक्लिएटेड। और न्यूक्लियस ही क्यों, और भी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं ठीक है, और भी ऑर्गेनल्स जैसे कि आपके राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है साइटोप्लाज्म होता है वहाँ उसमें। अब यहाँ पे देखिए किस लिए, आपको पता ही, ताकि स्पेस बढ़ा सकें, ज़्यादा ज़्यादा वो कैरी कर सके हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को कैरी कर सके, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो सके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 33, फ्रॉग्स आर यूरिकोटैलिक, बी है हैव ऑल्फैक्टरी लोब्स इन द मिड ब्रेन, एंड सी डू नॉट हैव रीनल पोर्टल सिस्टम, एंड डी हैव लिम्फैटिक सिस्टम, ई हैव गॉल ब्लैडर विच सीक्रेट्स बाइल। केरला पीएमटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 33 का आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैव लिम्फैटिक सिस्टम। फ्रॉग्स में क्या होता है, लिम्फैटिक सिस्टम होता है ओके, यहाँ पे डी ऑप्शन हैव लिम्फैटिक सिस्टम। तो देखिए ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो जो देखिए जो फ्रॉग होता है फ्रेंड्स, वो यूरिकोटेलिक नहीं होता है, वो यूरियोटेलिक होता है ठीक है। तो यहाँ पे मैं और भी चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये यहाँ पे यूरियोटेलिक होगा, यूरिको नहीं होगा, करेक्ट चूज़ करना है ठीक है। और जो फ्रॉग होता है फ्रेंड्स, उसमें टू ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, और इसके फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम होता है फ्रेंड्स, और जो लिम्फैटिक सिस्टम होता है फ्रॉग में, जिसमें लिम्फ होता है, लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ साइनस होता है, लिम्फ हार्ट होता है ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और उसके पहले मैं आपको ये कहूँगी, देखिए फ्रेंड्स ये आज का सेशन, जो आज का क्लास है वो कंप्लीट होने जा रहा है, और मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा दिया है फ्रेंड्स, और आप लोग मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और बिल्कुल सेफ रहिएगा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और जो लेक्चर है फ्रेंड्स उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से टीचर को सपोर्ट मिलता है ठीक है। टीचिंग जो होती है फ्रेंड्स, वो अपने स्टूडेंट्स के बिना इनकम्प्लीट होती है, तो जब हमें आपका सपोर्ट और प्यार मिलता है, तभी हम लोगों के अंदर मोटिवेशन भी आता है, और जितना ही ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो उससे हमें और लेक्चर करने का और बनाने का भी मन होता है ठीक है। तो चलिए इस पैंडेमिक में और इस टाइम पे सबको एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, 34, यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट्स इन, ऑप्शन ए ह्यूमन मेल्स, बी ह्यूमन फीमेल्स, सी बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग, एंड डी मेल फ्रॉग। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेल फ्रॉग ठीक है। जो यूरेटर्स होती हैं वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की तरह मेल फ्रॉग में काम करती हैं, और जो फीमेल होती है वो सिर्फ यूरिन को कैरी करती है, और जो मेल होता है वो क्या करता है, स्पर्म, जो मेल होता है वो स्पर्म और प्लस यूरिन दोनों ही कैरी करता है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है, इसको यूरेटर्स को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच।